इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि जो हम बता रहे हैं कि ट्रू है तो आखिर उसको जस्टिफाई करो कि क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है जस्टिफाई करो, यानी कि हमें रीजन भी थोड़ा सा बताना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। कैसे? देखिए रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर सेट टू बी रियल नंबर। अब क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर क्या रियल हो सकता है? बिल्कुल, हर एक रेशनल नंबर भी रियल हो सकता है और हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एज द रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्लियर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लू, ये जीरो, यहां पर वन टू थ्री फोर राइट फाइव एंड सो ऑन, यहां पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर राइट। एम के बारे में कमेंट है इस क्वेश्चन में कि एम क्या है, एम नेचुरल नंबर है, एम इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, एम नेचुरल नंबर है तो हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा वो रूट एम की फॉर्म में होगा, ये कह रहा है वो क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, क्योंकि इसमें आपको कहीं ऐसा सिचुएशन दिख रही है कि हर एक पॉइंट रूट एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो पॉजिटिव को एक केस हम मान भी लें कि पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, बट नेगेटिव तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट आता ही नहीं है, नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू एनी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू एनी स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट, यानी कि नेगेटिव वन फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट रूट एम को रिप्रेजेंट करे, हर एक पॉइंट रूट एम को रिप्रेजेंट करे ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। पॉजिटिव में फिर भी चलो मान लिए कि हाँ नेचुरल नंबर है, एम क्या है नेचुरल नंबर, तो ये सारे नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे, बट यहां पर कहां जाएंगे, ये है ना चीज। क्लियर हुआ, चलिए इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कर लेना। थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट थ्री में क्या बोल रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी फिर अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में, फिर से सुनो, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अब हर एक रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकता, फिर रियल कहां जाएंगे, रेशनल कहां जाएंगे, रेशनल कहां जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया थ्री, चलिए थ्री ले लिया, थ्री क्या है, रियल, थ्री इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, नॉट ओरेशनल, इरेशनल नहीं होते। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सके, या जब उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो डेसिमल एक्सपेंशन में वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, फोर नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो थ्री रियल तो है बट नॉट इरेशनल, इट मींस एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि हर एक रियल नंबर आपका इरेशनल नहीं हो सकता है। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर, डन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. दिस इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? ये बोल रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या इरेशनल हो सकते हैं? क्या इरेशनल हो सकते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. तो वो बताओ कि वो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ कि अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो वो रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नहीं होगा. चलिए देखते हैं. देखिए, जैसे मैंने एक रूट लिया रूट 16, तो रूट 16 की वैल्यू क्या है? 4. रूट 16 की वैल्यू क्या है? 4. और 4 क्या है? रेशनल. 4 क्या है? रेशनल. यानी कि सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 16 इज एन इंटीजर्स, तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, उनका स्क्वायर रूट लिखने पे जरूरी नहीं है कि वो रेशनल आए. हाँ, ये वाले केस में ऐसा हो सकता है. जैसे रूट 3, तो रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल. बट हम रूट 4 देखेंगे तो रूट 4 की वैल्यू 2, दैट इज रेशनल, दैट इज रेशनल, रेशनल. तो इसका आंसर होगा नो. क्या आएगा आंसर? नो. नो इज ऑल, इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट अ इरेशनल नंबर, राइट? इसका एग्जाम्पल हम ये इसको इसके थ्रू समझा सकते हैं, या कोई भी एग्जाम्पल ले लें. आप रूट 25 ले लो, रूट 64 ले लो, रूट 81 ले लो, कोई भी रूट आप लोगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसका जो रूट आएगा वो रेशनल नंबर होगा. यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आता है. क्लियर? ये नोट करो. एक क्वेश्चन और कराते हैं. डन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. शो हाउ रूट 5 कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. जो नंबर लाइन होती है उसमें रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है कि कहां पर पॉइंट रिप्लेस, कहां पर रूट 5 प्लेस्ड होगा. देखिए सॉल्यूशन, देखिए समझिए. इस तरह से हम रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं. पहले इसको देख लिए, फिर बाकी अगर समझते हैं तो क्या क्वेश्चन नहीं, जब आरडी शर्मा के हम करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एन, टू लोकेट रूट एन, फर्स्ट लोकेट रूट एन माइनस वन. जब भी आपको रूट, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जो हमने माना है एन, अगर उसका रूट आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रूट एन माइनस वन. जिसे मैं कहूं कि रूट 5 है, तो इस रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रूट एन माइनस वन, यानी कि 5 माइनस वन, इट मीन्स रूट 4, दैट इज इक्वल टू रूट 2. रूट 4 की वैल्यू 2, यानी सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 को नंबर लाइन पे, उसके बाद फिर हमारा रूट 5 रिप्रेजेंट होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल मैं लेके चलूं, जिसे मैं कहूं कि रूट 10 को रिप्रेजेंट करना है. 10 को क्या करना है? रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे. तो सबसे पहले इस 10 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें 10 माइनस 1 यानी कि रूट 9 यानी कि 3 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. मैंने कहा रूट 7 को रिप्रेजेंट करो, तो रूट 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें रूट 7 माइनस 1 यानी कि रूट 6 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. मैंने बोला रूट 5 को, 5 तो है ही, ये बता दिया. जैसे मैंने कहा रूट 3, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 3 से पहले हमें रूट 3 माइनस 1 इट मीन्स रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, तब जाके रूट 3 हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ये प्रोसेस है.
कि कोई भी नंबर अगर हमें पॉजिटिव नंबर है उसके रूट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके रूट को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक उसका प्रेडिसीजर लेंगे, सक्सीजर नहीं, प्रेडिसीजर, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेडिसीजर। तो 5 का प्रेडिसीजर 4, स्क्वायर रूट 4, 10 का प्रेडिसीजर स्क्वायर रूट 9, 7 का प्रेडिसीजर स्क्वायर रूट 6, इस तरह से करना है। चलिए रूट 5 को समझते हैं, यानी कि रूट 5 का मतलब 2 को रिप्रेजेंट कर लें पहले हम नंबर लाइन पे। तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 यहाँ पर, 1 ये 2, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, 3 4 5, इस तरह से जाएगा, -1 -2। आप रूलर की हेल्प से करेंगे ये चीज, 1 cm 2 cm 3 cm, लाइक दिस, 1 cm का 1 यूनिट, 2 cm 2 यूनिट, 3 cm 3 यूनिट, लाइक दिस, इस तरह से आप कर लेंगे नंबर लाइन पर, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर आप ये कितना है 2, तो 2 हमें यहां मिल गया, तो ये यहां से यहां तक ये पॉइंट आ गया हमारा A। अगर लिखना चाहे तो इस पॉइंट को लिख लीजिए A, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा O मान ले। अच्छा यहाँ पे 0 है तो कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, यहां पर ये आ जाएगा B पॉइंट। तो ये हो गया आपका 2, राइट, रिप्रेजेंट हो गया। अब इस 2 पॉइंट पर, यानी कि B पॉइंट पर, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सीधी परपेंडिकुलर 90 का एंगल लेके, और वो होगा आपका 1। हमेशा जब भी हाइट आप रिप्रेजेंट करोगे तो 1 ही लेना है, हमेशा इस चीज को याद रखना कि बेस आपका बढ़ सकता है घट सकता है, बेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप हाइट को रिप्रेजेंट करोगे तो हाइट हमेशा 1 ही लेना है, चाहे ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए रूट का, रूट 11 आ जाए, रूट 15 आ जाए, रूट 9, रूट 93 हो जाएगा सीधा, रूट 8 आ जाए, रूट 7 आ जाए, कोई भी रूट आता है आपको अगर रिप्रेजेंट करना है उसको, तो बेस चेंज होगा बट हाइट हमेशा 1 ही लेना है। ये आ गया 1। अब इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए आप, इसको इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, राइट, ये पॉइंट आ गया हमारा सी। अब हम एसी की वैल्यू निकाल लें इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ए बी सी। ए बी सी में जो एसी की वैल्यू होगी बच्चों, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी कितना है 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5। यानी जो ए बी की वैल्यू आई बच्चों, इसको रफ कर दें, इसका तो अपडेट है नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई 5, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। यानी ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को, एसी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। अब आपको कंपास लेना है और कंपास से एसी के इक्वल रेडियस लेना है, कंपास से एसी के इक्वल एक रेडियस मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है, और उस रेडियस को ए को सेंटर लेके, ए को सेंटर लेके, और इस तरह से एक आर्क आपको ड्रॉ कर देनी है, ए को सेंटर लेके क्या करनी है, आर्क ड्रॉ, एन आर्क ड्रॉ, एन आर्क, और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जो कि मेन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, जो कि मेन लाइन को कट करेगी किसी एक पॉइंट पर, यहां कहीं कट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका, इस पॉइंट को कुछ भी दे दीजिए, पी दे दीजिए, चलिए पी, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका √5, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका √5, क्लियर। इस तरह से हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जितने भी रूट हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, क्लियर, समझ में आई बात। इसके बाद एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको स्क्वायर स्पाइरल बनाना है, ठीक है, स्पाइरल का मतलब एक इस तरह से आप बनाओगे तो ये बनेगा, ठीक, इस तरह से मतलब एक सर्कल टाइप का बनना है यहां पर, वो आपको यहां पर समझ में थोड़ा सा कम आएगा, तो उसके लिए मैं आपको पेपर पर समझाता हूं, आइए वो वाला क्वेश्चन हम पेपर पर देखते हैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए सबसे पहले एक हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 1 cm की लेते हैं, तो एक बेस लाइन ड्रॉ करी 1 cm, जिसको नेम दिया बच्चों ओ पी। फिर P पॉइंट पर बच्चों में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये 90 मेजर करेंगे, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगी उसका मेजरमेंट बच्चों लेंगे 1 cm, ये देखिए 5 से 6 1 cm हो गया, 1 OP और ये 1 cm परपेंडिकुलर। फिर ज्वाइन करा देंगे बच्चों इसको,
इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इसको पी वन मान लेंगे और ओ पी वन की अगर हम वैल्यू निकालें बच्चों तो कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट टू आएगा, कितना रूट टू। फिर हम ओ पी वन को बेस लाइन लेंगे और पी वन पर परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, 90 मेज़र किया और ये मेज़रमेंट करने के बाद फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका मेज़रमेंट 1 सेंटीमीटर हम लेंगे। देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो इस तरह से 5 से 6 तक पहुँचे तो 1 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब फिर से इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे बच्चों, हम लोग इसको नेम दे दिया बच्चों पी टू और ओ पी टी पी टू की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, तो ये आ जाएगा हमारा रूट थ्री। पाइथागोरस थ्योरम मालूम ही होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरह से करके फिर हम ये ओ पी टू को बेस मान लेंगे और ओ पी टू को बेस लेकर फिर पी टू पर 90 मार्क करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे और ये फिर से 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। फिर से 1 सेंटीमीटर मेज़र किया और इसको ज्वाइन कर दिया ओ से और इसको नेम दे दिया पी थ्री। इसी तरह पी थ्री की वैल्यू निकालेंगे, ओ पी थ्री की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 स्क्वायर 1, तो रूट फोर हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि हम इसको रूट फोर ही रहने देंगे। फिर हम ओ पी थ्री को बेस लाइन लेंगे और पी थ्री से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 मेज़र किया हेल्प प्रोटेक्टर की हेल्प से और ये ज्वाइन कर दिया, मेज़र किया 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा, इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा ओ पी फोर। ओ पी फोर की भी सिमिलरली वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके तो ये आ जाएगा रूट फाइव, ये आ गया रूट फाइव। फिर ओ पी फोर को बेस लाइन लेके पी फोर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी कि 90 का एंगल, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर लेंगे, 90 मार्क कर लेंगे। फिर पी फोर से 1 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेके फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बच्चों हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों ओ से, जैसे ही ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ओ पी फाइव हो जाएगा, इसको पी फाइव नाम दे देते हैं। तो ओ पी फाइव की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके तो ये आ जाएगा रूट सिक्स, तो ये आ गया रूट सिक्स। सिमिलरली अब ओ पी फाइव को बेस लेंगे और पी फाइव से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये 90 मैंने मेज़र कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए ये 90 इस तरह से मेज़र किया, ये 90 हो गया किस पर, पी फाइव पर। और फिर पी फाइव से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, ये फिर से मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से ड्रॉ किया और इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ये सारे 90-90 होंगे परपेंडिकुलर। तो ये ज्वाइन कर दिया ओ से और इसको नेम दे दिया बच्चों हमने पी सिक्स और ओ पी सिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली रूट सेवन आएगा, फिर ओ पी सिक्स को बेस लाइन लेकर पी सिक्स से फिर से एक 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर का मेज़रमेंट कितना लेंगे बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर फिर से मेज़रमेंट लिया और ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया ओ से। जैसे ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास फिर से एक और पॉइंट आ जाएगा पी सेवन, ओ पी सेवन की वैल्यू आएगी बच्चों रूट एट पाइथागोरस का यूज़ करके, फिर ओ पी एट को बेस लाइन लेके पी एट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से फिर से ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे और ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों ओ से और ये हमारा रूट नाइन आ जाएगा पाइथागोरस का यूज़ करके, आप फाइंड करिएगा रूट नाइन। फिर ओ पी इसको एट मान लिया, ओ पी एट को फिर से बेस लाइन लेंगे बच्चों और बेस लाइन लेकर पी एट पर फिर से 90 का मेज़रमेंट करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर, यानी कि यही प्रोसेस आपको पूरा रिपीट करते जाना है, कब तक, जब तक कि रूट 16 या रूट 17 तक आप बना नहीं लो ये स्पाइरल, यानी रूट 17 या 16 तक भी अगर आप बना लेते हो बच्चों तो ये परफेक्ट आपका स्पाइरल माना जाएगा। ये पी नाइन आ गया, ओ पी नाइन को फिर से बेस लेंगे बच्चों और पी नाइन पर फिर से 90 का मेज़रमेंट करेंगे, ये 90 का मेज़रमेंट किया यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से ड्रॉ किया और इसको फिर से ओ से ज्वाइन करा देंगे, ये सारे 90-90 हो जाएंगे। तो ये 90 से हमने ये ज्वाइन करा दिया ओ से, ये पी 10 आ जाएगा और इसका मेज़रमेंट होगा रूट 11, इस तरह से करेंगे। फिर आगे भी देखिए आप इसी तरह से करते जाएंगे, बेस लाइन ले लिया फिर से और फिर से 90 का मेज़रमेंट किया
और 90 का मेजरमेंट करने के बाद फिर से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ओ से फिर से ज्वाइन करा दिया, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और ये पॉइंट इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 12, यानी कि ये पी फिर से हम इसको बेस लाइन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा हाइपोटेनियस आ रहा होगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बेस लाइन लेकर और एक 90 का कंस्ट्रक्ट करके परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके फिर से इसको मेजर कर देंगे। ये आ गया हमारा पी 11 और फिर से ज्वाइन कर दिया ओ से, तो ये हो गया हमारा रूट 13 और ये पी 12 हो जाएगा। इसका नेम हम पी 12 दे सकते हैं और फिर से इसको पी ओ पी 12 को बेस लाइन लेंगे और पी 12 पर फिर से 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर का बच्चों, इस तरह से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर से ओ से ज्वाइन करा देंगे बच्चों। इस तरह से हमें कहाँ तक ले जाना है, लेके जाना है रूट 16 या रूट 17 तक, देख सकते हैं आप इस तरह से ये कर रहे हैं हम। तो इस तरह से आपको भी कंस्ट्रक्ट करना है और प्रॉपर तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और रेजर तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही बनेगा। ये फिर से बेस लाइन ले लिया, फिर से 90 मार्क किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर, ये देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर और इसको ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर और फिर ओ से ज्वाइन करा दिया हमने, ये ओ से ज्वाइन करा दिया। जैसे ओ से ज्वाइन किया फिर से हमारे पास एक पॉइंट और आ गया और ये आ गया रूट, फिर से बेस लाइन ले लेंगे बच्चों और ये बेस लाइन लेने के बाद फिर से ये आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर और ये आ गया राइट, ये पी फिफ्टीन मान लिया और इसको ज्वाइन करा दिया हमने, ये देखिए ये P15, तो ये आ गया वैल्यू रूट 16। रूट 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर रूट 16 ही लिखेंगे। फिर से ये OP16 को P15 को बेस लाइन लिया और फिर से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये देखिए OP15 को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस तरह से, फिर से ज्वाइन करा देंगे इसको ओ से बच्चों। जैसे ही ओ से जो P16 हो गया OP16 को हम ज्वाइन करा देंगे इस तरह से, तो ये हमारा रूट 17 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप रूट 16 या 17 तक भी बना लेते हैं तो ये आपका परफेक्ट स्पायरल माना जाएगा। आप अगर वैल्यू निकालेंगे ओपी 16 की तो रूट 17 आएगी पाइथागोरस से, ये हमारा कंप्लीट स्पायरल बन गया। आज के इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इस तरह से करते करते जब हमारा चैप्टर 1 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो हम उठाएंगे आरडी शर्मा और उसकी एक्सरसाइज आपको हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच।